हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन जस्ट डिलीशियस। आज की जो रेसिपी है मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है मटन स्ट्यू, जो कि खड़े मसालों में बनाया गया है, जो कि बहुत ही फंटेस्टिक और बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। ये जो मैंने मटन स्टू बनाया है, ये मैंने बनाया है सरसों के तेल में, और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जो कि खड़े मसाले हैं। सारे खड़े मसाले इसमें मैंने डाले हैं। सरसों का तेल जो है वो 2 सर्विंग स्पून है, और मैंने इसमें ऐड किया है सौंफ, ज़ीरा, बड़ी इलायची, काली मिर्च, रेड चिली ड्राई, जावित्री और लौंग। ये अनियन है जो 2 बड़े साइज़ की थी, जिनको मैंने बारीक चॉप करके डाला है। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है, सिर्फ 3 मिनट तक हमें इसे चलाना है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए अनियन। इसके बाद मैंने इसमें, ये मेरा 250 ग्राम कीमा है, 250 ग्राम कीमा है मटन का, जिसको अब जो है हमें प्याज के साथ इसको 3 से 4 मिनट तक भूनना है अच्छे से। इस रेसिपी में एक टिप ये है कि आप हर मसाला डाल के भूनते जाइए। ये है गार्लिक और जिंजर का, मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है। इसमें 20 या 25 कलियां जो है मेरी लहसुन की हैं, और 2 इंच का टुकड़ा जो मैंने अदरक का है उसको चॉप करके डाला है। यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली चॉप करके डाली है, ये 7 से 8 ग्रीन चिली हैं। चिलीज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून सॉल्ट एंड पुदीना। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें कोई मिर्च मसाला या धनिया पाउडर मैंने नहीं डाला, बस थोड़ा सा खुशबू के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला, जो कि मेरा होममेड है, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है। अब कीमे को गलाने के लिए, जो कि ऑलमोस्ट हम भून चुके हैं, ये 10 मिनट हो गया हर मसाला भूनते हुए, इसमें मैंने 1/2 ग्लास से भी कम पानी डाला है, क्योंकि हमें थोड़ा सा गलाना है, बाकी ये मटन का कीमा जल्दी गल जाता है। इसे ढक मैंने 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाया है। ये देखिए, जितना भी मटन का कीमा वाटर था वो सब कुछ रिलीज़ हो चुका है, और ये थोड़ा मुझे सेमी ग्रेवी ही चाहिए। सो आप देख सकते हैं ये हमारा कीमा हो गया है रेडी, बहुत ही सिंपल फास्ट। और खड़े मसालों कीमा बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने धनिया पत्ते से गार्निश कर दिया है। सो आप भी ऐसी बनाइए, बहुत सिंपल है, सारे खड़े मसाले बनते हैं। और अगर आपको आज की ये रेसिपी, मेरे मटन कीमे स्टू की जो रेसिपी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन, ताकि मैं जो भी रेसिपी इस पर अपलोड करूँ आपको वो मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।